हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज मैं आपको नोकिया के नए फ़ोन्स के बारे में बताने जाऊंगा। नोकिया के नए फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशन और इंडिया में कब लॉन्च होगा ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ़ोन जो लॉन्च होगा 3310, नोकिया 3310 पुराने मॉडल के नाम पर ही रखा गया है। इस पर कुछ अपडेशन किए गए हैं और इस पर हमें जो है 2.4 इंच का डिस्प्ले मिलेगा और 16 MB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। इसके साथ आप इसे 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड यूज करके। चलिए नोकिया के बाकी स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। पहला है नोकिया 3। इस पे आपको 5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा और 2 GB की रैम के साथ 16 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी। नोकिया 3 में आपको 8 MP का रियर और फ्रंट कैमरा दोनों मिलेंगे। एंड्रॉयड नोगट यूज किया जाएगा 7.0 और इस पे जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है मीडियाटेक का 6737। और इसके साथ इस पे जो नॉन रिमूवेबल बैटरी होगी वो 2650 mAh की होगी। तो चलिए दूसरा फ़ोन है नोकिया 5। चलिए दूसरे फ़ोन की बात करते हैं नोकिया 5। नोकिया 5 का जो डिस्प्ले होगा 5.2 इंच का होगा और इस पे जो बैटरी यूज़ होगी वो 3000 mAh की होगी जो कि नॉन रिमूवेबल होगी। और इसके साथ इस पे जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 430 यूज़ किया गया है। साथ ही इसका जो कैमरा होगा वो 13 MP का रियर कैमरा होगा और जो फ्रंट कैमरा होगा वो 8 MP का होगा। और इसके साथ जो हमें 2 GB की रैम और 16 GB की इंटरनल मिलेगी। और अगला जो फ़ोन है वो नोकिया 6 जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इस पे हमें जो है 5.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा और 3000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलेगी। और इस पे भी जो प्रोसेसर यूज़ किया गया वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 430 ही यूज़ किया गया है। पर इस पे जो कैमरा है वो 13 MP का है और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 MP का है। और मैं अब आपको इन सब के इस प्राइस के बारे में बता देता हूँ। जो इनकी प्राइस होगी जो 3310 है वो इंडियन करेंसी में 3500 रुपये का होगा और जो नोकिया 3 है वो 9800 रुपये का होगा और जो नोकिया 5 है हमारा वो जो होगा 13500 और जो नोकिया 6 है ये 3 GB रैम के साथ 32 GB इंटरनल के साथ आएगा और इसकी जो प्राइस होगी वो होगी 16000 के प्रॉक्स। तो और लास्ट में मैं आपको इसकी लॉन्चिंग डेट बता देता हूँ कि इंडिया में कब ये लॉन्च होगा। तो अप्रॉक्स ये इंडिया में लॉन्च होगा जून तक में। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।